हरियाणा प्रदेश में आज सरकार छात्राओं को सुविधा देने के लिए अनेक घोषणाएं करती है, उन्हें सुविधा देने के नाम पर वाहवाही लूटती है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की पोल खोलती इन तस्वीरों में देखिए, और बस पर लिखे इन सरकार के नारों को देखिए। बस की हालत से कॉलेज छात्राओं की परेशानियों को देखा और समझा जा सकता है कि सरकार की बेटियों के सुविधा देने के वादे किस कदर लागू हो रही हैं। इसके लिए तस्वीरें ही काफी हैं सब कुछ बयां करने के लिए। जानकारी के अनुसार भवानीखेड़ा में कुंगड़पुर सिवाड़ा मार्ग पर पिछले कई वर्षों से छात्राओं के लिए बसों की समस्या बनी हुई है। कुंगड़ पर सिवाड़ा मार्ग पर बनी रोडवेज बसों की समस्या की शिकायतें कॉलेज की छात्राएं कई बार परिवहन विभाग व हल्का विधायक और मुख्यमंत्री से भी कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। भवानीखेड़ा महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली सैकड़ों कॉलेज छात्राएं अपनी मांगों को लेकर रोड जाम भी कर चुकी हैं, लेकिन वहां भी विभागीय अधिकारियों का आश्वासन इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाया। जान जोखिम में डालकर बसों की खिड़कियों में लटक कर हर रोज ऐसे ही सफर कर कॉलेज जाती हैं या छात्राएं, लेकिन फिर भी इस ओर किसी भी विभागीय अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। कई वर्षों से बनी कुंगड़ पर सिवाड़ा मार्ग पर छात्राओं की बस समस्या को लेकर कॉलेज प्रशासन भी परिवहन विभागीय अधिकारियों से समस्या को अवगत करवा चुका है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कई वर्ष पहले भी छात्राओं ने बसों की मांग को लेकर भवानीखेड़ा में हांसी भिवानी मार्ग पर रोड जाम भी किया था। इसके बाद परिवहन विभाग हरकत में आया था और छात्राओं के लिए पहले से चल रही कुंगड़ पर सिवाड़ा मार्ग पर बसों के समय में बदलाव कर उनको बसों की परेशानियों का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन समय बदला तारीख बदली पर नहीं बदले इन सैकड़ों कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की समस्या। हाल ही में कुछ दिन पहले जसपा बीजेपी गठबंधन सरकार ने छात्राओं के लिए स्पेशल बस चलाने की घोषणाएं भी की थी, लेकिन उसमें भी भवानीखेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय का नाम कहीं नहीं आया, जिसके छात्र लेकर छात्राओं में रोष है। पहले भी कई छात्राएं बदतर परिवहन सेवा के कारण कॉलेज छोड़ चुकी हैं। समस्या को लेकर राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल जगबीर मलिक ने बताया कि आज कुंगड़ पर सिवाड़ा मार्ग पर छात्राओं के लिए बसों की कमी की बहुत पुरानी समस्या बनी हुई है, जिसके कारण छात्राएं बस में लटक कर सफर करती हैं और कॉलेज में भी समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे कि उनको पढ़ाई में भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। छात्राओं ने कई बार बसों की मांग भी की है, रोड भी जाम किया है, कॉलेज भी विभागीय अधिकारियों से अवगत करा चुका है, पर बसें चलाने का मात्र आश्वासन दिया जाता है। कॉलेज के छात्राओं ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मांगों को पूरा करते हुए पूर्व सिवाड़ा कुंगड़ मार्ग पर महिला स्पेशल बस चलाई जाए, जिससे कि छात्राओं को बसों की खिड़कियों में लटक कर सफर ना करना पड़े। इस दौरान छात्राओं की चेतावनी भी दी थी कि यदि प्रशासन उनकी मांग की जल्द पूरी नहीं करता तो फिर हमें अपनी मांगों के लिए एक बार फिर से रोड जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो रूट है उस पे बसों की बहुत बड़ी समस्या है, लड़कियों को लटक लटक के आना पड़ रहा है, और जो बसें चल रही हैं वो भी टाइम पे नहीं आ रही हैं, जिससे लड़कियों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। वो लड़कियां अपने फिक्स लेक्चर पे कॉलेज में नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे उनकी प्रेजेंट भी नहीं लग पाती, उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। पर हमने प्रशासन को बहुत बार पत्र लिख के भेजे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लड़कियों के लिए महिला बस लगवाई जाए, और हमने हमारी समस्या को लेकर सीएम को भी लेटर भेजी थी, लेकिन आज तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। वैसे तो सरकार कहने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, लेकिन कहाँ का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने के नाम पर मरने को भी लिए। प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो रूट है उस पर एक महिला बस का इंतजाम करवाया जाए। अगर हमारी यह मांग अब की बार पूरी नहीं हुई तो हम अब की बार रोड जाम ही नहीं बल्कि रेल जाम। अगर अब की बार हमारी जो ये मांग है पूरी नहीं हुई तो हम अब की बार रेल को रोकेंगे। पूर्व सिवाड़ा कुंगड़ के रूट पर बसों की बहुत भारी समस्या है, लड़कियां लटक लटक कर सफर करती है, इससे अपने लेक्चर में भी नहीं पहुंच पाती हैं और वो लेक्चर से लेट भी हो जाती है कई बार, और उन्होंने बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और लटक लटक कर भी आती है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। और लड़कियां कई बार तो ऊपर भी बैठ कर सफ़र करके आती हैं, लेकिन हमने कई बार अधिकारी को भी पत्र लिख के दिया है बसों के बारे में, और हमारी बातों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग से बस लगवाएं। हाँ किया था हमने, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
नहीं अभी तक कोई बस नहीं चली है हमारे रूट पे। दो बस हैं वो भी कभी कभार लेट हो जाती हैं और इतनी लेट हो जाती है कि लड़कियाँ अपने फिक्स लेक्चर पर भी नहीं पहुँचती। तो अब क्या मांग करते हैं? अब हमें सरकार से यही मांग है कि महिला बस लगवाई जाए हमारे आगे, हमें फिर रोड जाम करना होगा। उंगड़पुर शिवाड़ा मार्ग पर बसों की समस्याएँ बनी हुई है। ये बहुत पुरानी समस्या है बच्चों की। लड़कियाँ अक्सर कहती रही हैं कि बसेस के मारे दिक्कत है, कई बार कॉलेज टाइम पर नहीं पहुँच पाती। तो हमने जीएम के पास भी, जो बच्चों ने एक बार हमारे पास एप्लीकेशन दी थी वो भेजी थी, और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी हमारी पर्टिकुलर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वो उसने इनिशिएट लेकर कार्रवाई की है कि भाई कॉलेज से सभी बच्चों के कहाँ कहाँ से आते हैं उसके रूट मांगे थे। हमने सभी बच्चों का डाटा अपलोड कर दिया था और ऊपर डिपार्टमेंट की डायरेक्शन के ऊपर ही कुछ दिन पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी के अंदर एक जीएम भिवानी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया था, उनकी मौजूदगी में हमने उनको रूट सबमिट करवा दिए थे। क्या आश्वासन दिया गया? उम्मीद यही थी कि भाई बसेस जैसे गवर्नमेंट के भी जो प्रपोजल है भाई लड़कियों के लिए बसेस चला दी जाएंगी। अब ये सरकार की पॉलिसी पर है, उम्मीद है चल जाएंगी तो बच्चों की समस्या का समाधान। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।